जी इस तरफ से आए। सर मैंने रिसेंटली चेक किया था कि पीआईडी के मुताबिक पाकिस्तान में 23 बच्चे जो है दे आर डिप्राइव फॉर द एजुकेशन पाकिस्तान में। सर अगर आप देखेंगे इसमें मेजोरिटी आपको बलूचिस्तान में नज़र आएगा और वो भी स्पेसिफिकली जो कि साइड इलाके है। सर मैं खुद बेसिकली खानोजी से बिलोंग करती हूँ, उसकी जो एजुकेशन रेशो है देर हाईएस्ट कम्पेयर टू द बाकी इलाके। सर इस जो एजुकेशन बच्चे नहीं लेते इसको नॉर्मलाइज किया जाता है, उसको दूसरे सोर्सेज अनदर थिंग की पॉजिटिव रिसोर्सेज टुवर्ड एजुकेशन। पेरेंट्स देखते ही नहीं कि इसका माइंडसेट है नहीं वेदर एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट और नॉट। सर आपको क्या लगता है कि एक मुल्क की तरक्की के लिए या एक स्टेबल पाकिस्तान को स्टेबल होने के लिए इस पर आप क्या क्या सोचेंगे कि किस तरह इसको स्टेबल होना है? अगर इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है जो जीन्स अल्फा है जो कि हमारे आगे जाके पाकिस्तान पर यूथ है दे आर डिप्राइव फॉर एजुकेशन। सर आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप खानोजी से हैं? जी सर। खानोजी का फीमेल लिटरेसी रेट क्या है? सर वहाँ पे तो 98% जो है हाईएस्ट है खानोजी में, बट सर आई मुझे अच्छा नहीं लगा कि बाकी जो बहुत सारी एरियाज है वहाँ पे इस चीज़ को लाइक वो देखते ही नहीं कि एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट और नॉट। अगर सर मैं खानोजी में यहाँ तक आई हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि वहाँ पे लड़कियों को मतलब वहाँ पे एफएससी तक ही छोड़ देते हैं। मैं भी खानोजी की बरकत से यहाँ बैठा हूँ। सर आई एम फीमेल टू बी डिफरेंट ऑफ यू। अच्छा आप लोग शायद समझे कि मैं मजाक करूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरे दादा डॉक्टर नूरुल हक जो थे वो अब्दुल अली अखुजादा के पास फिका पढ़ते थे, तो 1920-25 की बात है, उन्होंने कहा बेटा तुम्हारा जहन थोड़ा बहुत काम करता है, छोड़ो ये मौलवी बनना और फिका विका छोड़ो, जाओ जदीद उलूम हासिल करो। एंड ही रोट अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन टू हिम टू देन खान ऑफ कलात, और वो फिर एफसी कॉलेज लाहौर और फिर अलीगढ़ गए और फिर वापस आए। तो अगर ये खानोजी की बरकत नहीं होती मैं अभी किदरी कान में तर्जी में बकरियां चरा रहा होता। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि मैं खानोजी और खान कलात उस ज़माने में स्कॉलरशिप अवार्ड करते थे उन लोगों को कि वो आएंगे और वापस रियासत कलात को सर्व करेंगे। अब्दुल अली अखुंजादा उनके एजुकेशन मिनिस्टर थे। मैं तुम्हारी सारी बातों से एग्री हूँ। आई विश के खानोजी का वैसे 100% फीमेल लिटरेसी रेट एंड इट इज़ बीन रिपोर्टेड बाई BBC एंड एवरीवन। और ये स्टोरी बलूचिस्तान की कोई नहीं बता रहा खानोजी की, ये प्रोजेक्शन कोई नहीं दे रहा कि वी हैव डन दिस मैनी 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 ईयर्स अगो। और ये वो रोल मॉडल है जिसको अवारान में भी लोगों को अपनाना है, जिसको मशके में भी लोगों को अपनाना है, जिसमें खुजदार में भी लोगों को अपनाना है, जो चमन में भी लोगों को अपनाना है, अक्रॉस है। मेरा अपना यकीन और ईमान इस हद तक है कि अभी जब इस जनरेशन के लोगों के साथ मैं इंटरेक्ट करता हूँ ना, जो सोशल और पॉलिटिकल बुत है ना ये टूटने वाले हैं। ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना बलूचिस्तान में एक लोअर मिडिल क्लास के यंगस्टर्स की आ रही है, और वो पर्टिकुलरली सोशल मीडिया टूल के साथ। कुछ लोग खौफजदा होंगे, इनिशियल फेज़ में रिएक्शनरी भी होते हैं, आपको गालियाँ देते हैं, बुरा भला कहते हैं, लेकिन इवेंचुअली इन्होंने सेटल होना है, इन्होंने सेटल होना है और ये एम्पावर्ड यूथ होगी। और ये ही लोग होंगे जो अपनी अपनी सोसाइटी में अपने अपने सर्कल्स में लीड करेंगे एज अ रोल मॉडल। तो मेरी गुजारिश फिर यही है कि लेट्स टेक इट एज अ मिशन। ये सिर्फ हुकूमतों का काम नहीं है, इसको हमें ओन करना पड़ेगा, मुझे आपको हम सबको। जब ओनरशिप हमारी आएगी ना फिर हम इस वज़ीर आला का भी गला पकड़ेंगे अकाउंटेबिलिटी के लिए, मेरा गला भी पकड़ेंगे, ब्यूरोक्रेट को भी पकड़ेंगे कि क्या परफॉर्म हम कर रहे हैं। जब ओनरशिप नहीं होगी तो हम बड़े कैलस हो जाते हैं अपने अपने एटीट्यूड में, तो ओनरशिप लाने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।